अरे यार ये क्या कर दिया रे बाबा, पबजी बैन कर दिया। अभी विनोद को फोन लगाता हूँ। उठा साले। हाँ हेलो। अबे सोया है क्या साले? हाँ भाई बस आ रहा हूँ, पबजी खेल ले तू। अरे भाई पबजी बैन हो गया है। हाँ? अबे क्या बकवास कर रहा है तू, पबजी बैन हो गया साले? लाशें बिछवा दूंगा मैं, लाशें। ये सरकार को भी क्या हम जैसी नन्ही जानों पे ही अत्याचार कर रहा था क्या? भाई आज का दिन तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, 2 सितंबर 2020। तन्मय भट्ट ने तो श्रद्धांजलि भी दे डाली। अबे वो छोड़, एक किल का 10,000 रुपए देने वाला था बीयू ने। मैंने तो पूरे यूट्यूब पर ट्यूटोरियल कर लिया था और साथ ही साथ मैच में प्रैक्टिस भी। बिल्कुल डिसाइडेड था कि 10 लाख तो मैं ही उठाऊंगा अकेले का। भाई गेमर गर्ल प्रीति भी मिली थी मुझे पबजी में, बस हफ्ता ही भर हुआ था, सेटिंग जम गई थी पूरी, बस नंबर एक्सचेंज ही होने वाला था, स्क्वाड में भी उसको घुसा लिया था। क्या क्या सोचा था मैंने, अगर वो नॉक होती तो मैं उसको रिवाइव करता, अपने किल्स के काउंट्स दिखाता, केडी रेशियो शो ऑफ करता मैं। क्या हो गया ये? जेईई और नीट को बैन करने की जगह इन लोगों ने पबजी बैन कर दिया। मार दूंगा, काट दूंगा साले सबको। पता नहीं है इनको इनके परीक्षाओं के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। मैं ये सोच रहा था कि पूरा पॉकेट मनी तो मैं एलीट पास पे खर्च कर देता था, अब किस पे खर्च करूंगा यार? अबे वो छोड़ साला, गेम में ही मैंने इतने कपड़ों पे खर्च कर दिए पैसे कि अब रियल लाइफ में सिर्फ 2 टी-शर्ट, 1 चड्डा, 1 बनियान और 2 कच्छे बचे हैं मेरे। भाई अब तो घर के सारे काम भी करने पड़ेंगे, गेम में हूँ बोल के बहाना भी नहीं चलेगा। कितनी सुहाने रातें थी वो, जब हम रात में 12 बजे के बाद मम्मी पापा से छुप छुपा के हेडफोन का माइक बंद करके क्या गेम खेलते थे यार। इतना छुप छुपा के तो मैंने फोन भी नहीं देखा होगा अपनी लाइफ में जितना मैंने पबजी खेला है, क्योंकि असली मजा तो यारों के ही साथ है। अबे साला इतने सारे सीजन खेलने के बाद फाइनली ये सीजन को कॉन्करर बनने वाला था मैं, लेकिन ये बैन ने तो साला जिंदगी नूब बना के रख दी यार। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि गेम का स्ट्रीमर बन जाऊंगा, लेकिन अब तो साला ड्रीमर ही बन के रह गया। ये चाइना ने ना साले जिंदगी के सारे मजे लूट लिए हमसे। मैं कैसे M249 धड़ गेम में चलाऊंगा बता तू? अरे शांत हो जा भाई, क्यों अपना खून जला रहा है? अब जो होना था वो तो हो गया। टिकटॉक भी बैन हुआ ना, लेकिन लोगों ने दूसरी जगह अपनी रोजी रोटी चालू कर ली ना, हम भी कुछ ना कुछ देख लेंगे। वैसे एक चीज अच्छी हुई है पबजी बैन होने से। अरे अब अपनी मम्मी अपने को कोई भी ताना नहीं सुना पाएगी। धरती का बोझ नालायक निकम्मा मम्मी पापा के पैसे बर्बाद करने वाला, हमारी छाती का बोझ कहाँ से पैदा होगा, ये सब मम्मी अब बोल ही नहीं पाएगी हमको। और ना ये बोलेगी कि दिन भर खेलता रहता है पबजी पबजी पबजी। और नालायक, वो तो रब जी की कृपा है कि बैन हो गया पबजी। अब तुम जाओ जाके मार्केट से लेके आओ सब्जी।